हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा रियल स्टेट में। और मैं निको जी आज एक बार फिर से वीडियो लेकर आ गई हूँ एक प्यारे से विला की, जो कि 200 गज के अंदर बना हुआ है। 5 BHK विला है। सबसे पहले आप इस विला की फ्रंट एलिवेशन चेक कर लीजिए। फ्रंट एलिवेशन में आप देख सकते हो बाहर से ही जो विला है बहुत ही ज्यादा ग्रैंड लग रहा है, और इसकी फ्रंट एलिवेशन बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बहुत ही ज्यादा कलरफुल है। जैसे कि अलग अलग कलर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही अच्छी लाइटिंग की गई है। और जहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बर्म एरिया आप देखें काफी स्पेशियस है। आप अपनी कार पार्क करना चाहते हैं यहाँ पर भी आप देखिए काफी आपको कार पार्किंग की स्पेस मिल सकती है। और जहाँ से इस विला की होती है एंट्री आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है सीढ़ियाँ जो स्टेप्स बना के दिए गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आप आराम से अपने घर के अंदर जा सके। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का गेट लगा हुआ है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। और जहाँ पर आप देखिए अगर इस घर के अंदर आप एंटर होते हो तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत ही ज्यादा प्यारी बनी हुई है। बाहर से भी जो टाइल्स है बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल की गई, बहुत ही यूनिक डिजाइन है। और जहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बहुत स्पेस है, यहाँ पर आप देखिए जहाँ तक स्पेस है आपके घर के बाहर ही। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर ब्लैक टाइल्स का, यहाँ पर ब्लैक ब्राउन व्हाइट बहुत ही अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही अच्छी टाइल्स जो है यहाँ पर यूज की गई है। तो यहाँ से होती है इस प्यारे से विला की एंट्री, जहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैच डोर दिया जाता है, मैच डोर के साथ जहाँ पर आपको वुडन डोर दिया जाता है। पर विला में एंटर होने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस विला में आपको फुली फर्निश्ड ऑप्शन भी मिल जाएगा। और वीडियो में विला के अंदर जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ ट्राई सिटी के अंदर और भी बहुत अच्छे अच्छे विलास, घर और प्लॉट सबके लिए आपकी प्रॉपर्टी के लिए वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। घर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ से जो घर के अंदर की एंट्री होती है, और जहाँ पर आप देखिए एंट्री के इस साइड आप देखिए बहुत ही अच्छी वॉल पर टाइल्स लगी हुई है, उसके ऊपर जो वॉल लैम्प है वो भी डिजाइनर लैम्प लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऊपर के फ्लोर पे जाने के लिए सेपरेट एंट्री दी गई है, अंदर से एंट्री नहीं है और सेपरेट एंट्री है। तो हम यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोरेज भी दी गई है कि यहाँ पर आप अपना कुछ सामान जो है स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एंटर हो जाते हैं घर के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले ये जो जगह है यहाँ पर आप अपनी मेमोरीज फैमिली फोटोज लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाया गया है। और यहाँ से एंट्री होती है ड्रॉइंग एरिया की। ड्रॉइंग एरिया आप देखिए बहुत ही ज्यादा कोजी फील हो रहा है, बहुत अच्छा वाइब्रेंट सा माहौल है। और आप ऊपर देखिए इसकी जो फॉल सीलिंग है और डिजाइनर फैन लगा हुआ है बहुत ही ज्यादा, मतलब छोटी छोटी जो आर्टिफैक्ट्स लगे हुए हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं बहुत ही ज्यादा प्यारी है इस घर में। और इस घर की लुक जो है बहुत ही अच्छी आ रही है। और यहाँ पर देखिए ड्रॉइंग एरिया में यहाँ पर विंडो है, विंडो के ऊपर कर्टन लगे हुए, बहुत अच्छी लुक आ रही है और काफी स्पेशियस है। टीवी पैनल भी यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पे जो डिजाइन है आप देखिए ये जो है आपको नॉर्मल जैसे कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही यूनिक डिजाइन बनाया गया है। तो यहाँ पर ये तो ड्राइंग एरिया होगा। तो हम यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर आ जाती है किचन। अब ये किचन में भी बहुत ही यूनिक डिजाइन है, किचन के अंदर जाते ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो डिजाइन बनाया गया बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जो सीलिंग का काम है बहुत ही ज्यादा परफेक्ट किया गया है। और ये किचन की आप लुक देखिए यहाँ पर मार्बल लगा हुआ है, इसके कैबिनेट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। और डुअल सिंक यहाँ पर दी गई है और कैबिनेट के नीचे जहाँ पर लाइटिंग भी ऐड की है, प्रोफाइल लाइट जो है वो ऐड की गई है। और यहाँ पर किचन में ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश खाना बनता खाना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पे एक बनाया गया कि यहाँ पर आप बैठ के किचन के अंदर ही आप खाना खा सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा बनाया गया है और ये पूरा मार्बल से ही बनाया गया है। और यहाँ पर ऊपर देखे बहुत ही अच्छा हैंगिंग जो है आर्टिफैक्ट लगा हुआ है, और यहाँ पर शैंडलर लगा हुआ बहुत ही प्यारा। और जो थोड़ा सा लॉन्ज एरिया है आप देखिए यहाँ पर, और इधर आप देखिए यहाँ पर जो है बाहर की जो एंट्री थी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्लास और ऊपर से ऊपर ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, मतलब कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर जो ये जो ड्राइंग एरिया से जहाँ एंट्री से जहाँ एंटर करते हैं तो यहाँ पर भी प्रॉपर आपको जो है लॉक जो है मिलने वाला है, स्मार्ट लॉक मिलने वाला है। तो ये तो हो गया, हम इस फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम के अंदर चलते हैं। तो ये यहाँ पे इस फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम है, जैसे कि मैं आपको बताया कि ये 200 गज के अंदर 5 BHK है। तो ये पहला बेडरूम है, इसका जो फ्लोर है वो वुडन है, आप देख सकते हैं वुडन थीम के साथ इसका फ्लोर है। और जहाँ पर इस रूम के अंदर आते ही वो आपको वार्डरोब मिलता है स्लाइडिंग डोर्स के साथ, और यहाँ पर एक मिरर बनाया गया है और यहाँ पे भी स्टोरेज दी गई है। और इसके पीछे जो वॉलपेपर देख रहे हो, अब वॉलपेपर देखिए बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, एयर कंडीशनर है। और ऊपर की जो फॉल सीलिंग आप देखिए, फॉल सीलिंग में भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइटिंग भी एड की गई है। और यहाँ पर जो रूम स्पेशियस तो है
मतलब बहुत ही ज्यादा कोजी होम जैसी वाइब आ रही है, और जहाँ पर जो मैचिंग पैटर्न और थीम के साथ ही आपको LCD पैनल मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर जो विंडो दी गई है और बैकयार्ड को भी एक्सेस दिया गया है। बैकयार्ड में जाने से पहले हम अटैच वॉशरूम देख लेते हैं। अटैच वॉशरूम में पूरा ग्रे एंड व्हाइट थीम ही रखा गया है, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस भी है वॉशरूम, और टाइल जो है बहुत ही ज्यादा प्यारा काम किया गया है, व्हाइट एंड ग्रे का बहुत ही ज्यादा कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है इस रूम के अंदर। तो हम यहाँ पे बैकयार्ड की एंट्री होती है तो यहाँ पर डोर दिया गया है, सबसे पहले वुडन डोर दिया गया है, उसके साथ मैश डोर दिया गया है। तो हम बैकयार्ड भी एक बार देख लेते हैं, देख सकते हो बैकयार्ड भी काफी अच्छा है और यहाँ पर भी बहुत अच्छी टाइल्स लगी हुई है, बहुत अच्छी टाइल्स लगी हुई है यहाँ पर भी, और यहाँ पर पूरा कवर किया गया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये रूम तो काफी अच्छा था, तो हम नेक्स्ट बेडरूम में चलते हैं। इस फ्लोर पे 3 बेडरूम है, उसमें हम सेकंड वन में आ गए हैं। तो यहाँ पर ये रूम भी काफी स्पेशियस है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर सबसे पहले वॉलपेपर सेम वही डिजाइन का, बहुत ही ज्यादा प्यारा, मतलब हर रूम में एक जैसी थीम रखी गई है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा गया थीम एंड डिजाइन का। और इस रूम में भी आप वार्डरोब देखिए, बहुत ही ज्यादा यूनिक तरीके से बनाया गया है। जो अटैच वॉशरूम का डोर है और उसके आसपास जो ऊपर तक कैबिनेट्स बनाए गए हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर भी जो फ्लोरिंग है वो वुडन है, और बेड के बिल्कुल सामने आपको देख सकते हो ऊपर वॉल लैम्प लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा LED पैनल है, बहुत ही ज्यादा प्यारा बना हुआ। और यहाँ पर मिरर लगाया गया है, ड्रेसिंग एरिया भी आप यहाँ पर बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा प्यारा। और इस रूम में भी आपको बहुत बड़ी सारी विंडो मिल जाती है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है ये रूम भी, मतलब बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, तो और बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तो हम नेक्स्ट बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपने फैमिली लॉन्च एरिया तो देख ही लिया था, और यहाँ पर आप देखिए रूम की एंट्री होती है, तो यहाँ पर देखिए जो वुडन जो है थीम बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। तो हम इस रूम के अंदर चलते हैं। सबसे पहले देखिए ये रूम भी बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है, यहाँ पर बहुत ही प्यारा बेड लगा हुआ है, और यहाँ पर इसकी जो वॉल है इसमें भी बहुत ही ज्यादा प्यारा जो काम किया गया है, और ऊपर फॉल सीलिंग आप देखिए, फैन चल रहा है, डिजाइनर फैंस है, और जो सब चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी और हाई क्वालिटी की है। और जहाँ पर आप देखिए इस रूम के अंदर आपको विंडो मिलने वाली है, विंडो से आप बाहर का व्यू भी देख सकते हैं, विंडो बहुत प्यारी है सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ पर भी आपको जो है TV पैनल जो है यहाँ पर बना के दिया गया है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। और इस रूम के अंदर आप देखिए यहाँ पर आपको अटैच वॉशरूम से जाने से पहले यहाँ पर आपको वार्डरोब एरिया मिलता है, यहाँ पर भी अलग से आप यहाँ पर आपको कैबिनेट दिए गए, स्टोरेज दी गई है। और यहाँ पर होती है एंट्री जो अटैच वॉशरूम की, ये वाला वॉशरूम भी स्पेशियस है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है, और पिछले बेडरूम के साथ ये जो अटैच वॉशरूम है दोनों का अटैच एंड कॉमन वॉशरूम है दो बेडरूम्स का। इस फ्लोर पे 3 बेडरूम है। अब हम नेक्स्ट बेडरूम में चलते हैं, नेक्स्ट फ्लोर पे चलते हैं कि वहां पे हमको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ से होती है सेपरेट एंट्री है जैसे कि नेक्स्ट फ्लोर की, तो हम यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया गया है, वुडन जो है यहाँ पे वुडन वर्क किया गया है, ग्लास लगा हुआ है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। अब हम नेक्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, नेक्स्ट फ्लोर में जाते हैं तो यहाँ पर जो स्टेप्स हैं उनके साथ साथ लाइटिंग है यहाँ पर भी देखिए आप, और ये वॉल है यहाँ पर वॉलपेपर बहुत ही अच्छा किया गया काम, और यहाँ पर आप अपनी फैमिली फोटोज जो है मेमोरीज है यहाँ पर लगा सकते हो, सीनरीज लगा सकते हो। तो यहाँ हम बातें करते करते ऊपर के फ्लोर पे आ गए हैं, तो यहाँ पर आते ही आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले ये जो है ग्लास दिया गया है, और यहाँ से स्लाइड करते हैं तो हम बालकनी में जा सकते हैं। तो इस फ्लोर पर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। सबसे पहले ये डोर है, आप देख सकते हो इसको भी प्रॉपर लॉक लगा सकते हैं, डोर इसका जो है आपको दिया गया है। और यहाँ पर आते हैं आप देखिए बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ पर जो है, और ये देखिए यहाँ पर जो वॉल है, वॉल जो है वॉलपेपर जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर, और आर्टिफैक्ट्स के साथ जो मैच कर रहा है। और ऊपर देखिए आप यहाँ फॉल सीलिंग देखिए, उसके साथ जो शैंडलियर लगा हुआ है बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, बुक रीड कर सकते हो। और इस साइड आते हैं हम एंट्री के, तो यहाँ पर भी आपको विंडो दी गई है, आप देख सकते हो यहाँ पर विंडो दी गई है सनलाइट के लिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आप आगे देखिए असली मजा तो ये व्यू है, क्या व्यू है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा स्पेस है, स्पेशियस है। और यहाँ पर आगे आप देख सकते हो जो डिजाइन बनाया गया है, यहाँ पर पैटर्न वर्क किया गया है, बहुत ही ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन है, कलरफुल पैटर्न है। और यहाँ पर एक आपको बहुत ही प्यारा TV पैनल आपको मिलता है। और जहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका फैमिली लॉन्ज एरिया है,
अब यहाँ पर बैठ कर अपनी फैमिली के साथ टीवी देख सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। और ऊपर एक बार फिर से आपको देखिए फॉल सीलिंग देखिए, उसके साथ आपको डिजाइनर फैन जो है वो मिलने वाला है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो विला है इसमें आपको फुली फर्निश्ड ऑप्शन भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वॉलपेपर है, यहाँ पर भी वॉलपेपर लगा हुआ है, वॉल लैंप्स लगे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो ये तो फैमिली लॉन्ज एरिया हो गया। तो इस फ्लोर पे भी आपको एक और मॉड्यूलर किचन मिल सकती है, मिल जाती है। तो ये देखिए ये किचन भी इस फ्लोर पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से बनी हुई है, मार्बल का काम किया गया है, कैबिनेट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया गया है। और यहाँ से जो है बालकनी की एंट्री होती है किचन से ही। इस फ्लोर की किचन भी बहुत ही ज्यादा प्यारी है, फैमिली लॉन्ज एरिया भी बहुत स्पेशियस है। तो हम यहाँ से एंटर करते हैं इस फ्लोर के बेडरूम के अंदर। तो यहाँ पर आ गए हम इस फ्लोर के बेडरूम के अंदर। देखिए बहुत ही ज्यादा प्यारा रूम है और स्पेशियस भी है, बहुत ज्यादा प्यारा। और यहाँ पर देखिए इसकी जो वॉल है, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्यारा काम किया गया है, जो डिजाइन है बहुत ज्यादा प्यारा है। उसके ऊपर फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग में जो है लाइट्स का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इस वॉल पे जो बेड के सामने यहाँ पर आपको टीवी पैनल मिलता है और इसके ऊपर आपको एक वॉल लैम्प, डिजाइनर लैम्प लगा के दिया गया है। और यहाँ पर भी आपको जो है विंडो दी गई है, बहुत ही ज्यादा सनलाइट अच्छी आ रही है, बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। और यहाँ पर इस रूम में आ जाता है अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम के पहले यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया आ जाता है और यहाँ पर आता है स्लाइडिंग डोर है, जो है वॉशरूम को बनाया गया है। और इसमें ब्लैक एंड व्हाइट दोनों टाइल्स का जो है डिजाइनर टाइल्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और वॉशरूम में काम भी बहुत अच्छा किया गया है, अटैच वॉशरूम इस रूम के साथ मिलता है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। तो हम नेक्स्ट रूम के अंदर आ गए हैं, आप देखिए। और ये रूम देखिए, यहाँ पर बेड लगा हुआ है, टेबल चेयर्स लगी हुई है, फिर भी ये रूम काफी स्पेशियस है, बहुत स्पेस है इस रूम के अंदर। और यहाँ पर भी आपको विंडो दी गई है, हर रूम में मतलब विंडो दी गई है, पूरे घर में सनलाइट बहुत अच्छे से आती है। और यहाँ पर आप फॉल सीलिंग देखिए, फॉल सीलिंग के साथ यहाँ पर हर रूम में एक जैसी थीम रखी गई है, वुडन एंड फॉल सीलिंग में जो वुडन थीम दी गई है, लाइटिंग दी है ब्लू कलर की। और यहाँ पर भी आप देखते हैं वॉलपेपर जो है यहाँ पर लगाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी छोटी छोटी डिटेल्स जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी की आपको काम देखने को मिलेगा। और जहाँ पे भी अटैच वॉशरूम को जाते हैं, यहाँ पर आपको वार्डरोब एरिया आता है, यहाँ पर वार्डरोब आता है और यहाँ पर आ जाता है अटैच वॉशरूम। और ये भी स्पेशियस है, आप देख सकते हो इधर से लेकर यहाँ तक बहुत स्पेस है इस वॉशरूम के अंदर। अगर आपको ये विला पसंद आया और आप इस विला को खरीदना चाहते हो तो हमारे मेंशन किए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप इसका प्राइस जानना चाहते हो इस विला को लेकर, या फिर आपको ट्राई सिटी में कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, कमर्शियल लेना चाहते हो, प्लॉट्स लेना चाहते हो, किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप हमारे मेंशन किए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।